हेलो गाइस, कैसे हो? तो नया नया एक अपडेट आया दोस्तों कि यूएई 3 दिन के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। तो ये क्या अपडेट है दोस्तों और क्यों बंद रहेगा, पूरा वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा ही रियल अपडेट आपको मैं बताते रहता हूँ, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे दुबई में 12 साल से जॉब कर रहा हूँ दोस्तों, और जो भी बताता हूँ रियलिटी के बेस पर बताता हूँ। तो जस्ट अभी अपडेट आया दोस्तों, आप लोग ज़रूर न्यूज़ वगैरह में सुन लिया होगा कि जो अबू धाबी का मतलब यूएई का जो शेख थे, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, जिनका इंतकाल हो गया है, वो 73 ईयर के थे। तो काफ़ी सालों से वो बीमार चल रहे थे। आप लोग भी देखते होंगे कि उनके भाई उनके बदले में यहाँ पे रूल मतलब चला रहे थे, वो प्रधानमंत्री थे, बट उनका मतलब काफ़ी दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उनका इंतकाल हो गया है। इसके वजह से यूएई ने पूरी तरह 3 दिन के लिए जितना 7 स्टेट है सबको ये आदेश दिया है कि पूरी तरह बंद रहेगा, और 40 दिन तक यूएई का जो झंडा है, फ्लैग है, वो नीचे रहेगा, झुका रहेगा और सौख रहेगा 40 दिन तक। तो अभी मतलब आज कौन दिन है, आज है ये जुमा तो छोड़ दो, सैटरडे संडे मंडे, ये 3 दिन पूरी तरह बंद रहेगा, और मंगल को मतलब शायद चालू होगा। अभी ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ, मगर लेटेस्ट में ये है कि 3 दिन तक बंद रहेगा। तो आप लोग ये नहीं होना कि हाँ कंफ्यूज में नहीं रहना, मैं सोचा आप लोग के लिए वीडियो बनाकर बता दूँ, क्योंकि हम लोग भी कंफ्यूज था कि कल ड्यूटी रहेगा कि नहीं, मगर अनाउंसमेंट ऐसा हो गया है। तो दुबई को बनाने में के लिए भी बहुत योगदान दिया है दोस्तों, और यूएई को बनाने के लिए भी खलीफा बिन जायद अल नहयान ने बहुत मतलब योगदान दिए, बहुत अपना माइंड यूज किए। तो उनका इंतकाल होने से हम लोग पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट है वो उतना पहले के जैसा नहीं ये होगा, एक्टिव नहीं रहेगा। सरकारी काम में भी आपको विलम्ब हो सकता है, क्योंकि सरकारी छुट्टी ज़्यादा रहेगा, और 40 दिन तक आपको शौक है तो उतना काम भी उतना सही तरीके से नहीं होगा, वीज़ा का भी काम उतना नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर वाले को तो आपको मालूम है कि यहाँ पे 3 दिन का छुट्टी ऐसे भी मिलता है, मगर अभी फ़िलहाल 3 दिन के लिए पूरे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, पूरी कोई भी वर्कर कोई भी साइट पर कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं जा सकता है। तो ये अपडेट था दोस्तों, तो मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग को इसके बारे में पता हो सके। और जो भी सवाल है दोस्तों, चलता है वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करो, यहाँ के बारे में जो भी है वो मैं अपने 12 साल के एक्सपीरियंस पे आपको ज़रूर बताने का कोशिश करता हूँ। तो नेक्स्ट अपडेट में मिलता हूँ दोस्तों, जब तक